इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं। देवाधिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की जय, महाराज की जय। तृतीय ढाल का प्रारंभ में कुछ वाचन। निश्चय से सब जीव शुद्ध हैं, एकेन्द्रिय या सिद्ध विधि व्यवहार बताता किस विद। योग कसायों के ही कारण आत्म के परिणाम तिनको ही गुण थान कहो है। 14 संख्य प्रमाण जरवान पुरुष को सब कुछ कड़वो लागे, त्यों मिथ्या दृष्टि जीवन को। प्रथम कहो तिन में मिथ्यात्व, पंच भेद और आनो एकांतिक विपरीत विनय सह। दो नय से एक कही को जाने, केवली कबला हार बतावे, वह विपरीत रहवे। गुण स्थान पहले से जीव, चौथो पंचम साते कोई भी एक प्राप्त कर सके। भव्य जीव क्रम नाते जो अनादि मिथ्या दृष्टि है। प्रथम लहे उपशम समकित को, पंच लब्धि वश ज्ञानी
सप्त प्रकृति का उपशम जिनको उपशम सम्यक दृष्टि सम्यक प्रकृति उदय हो यदि वेदक सम्यक दृष्टि केवली द्वय पद मूल सप्त प्रकृति का क्षय कर पावे उपशम सम्यग दृष्टि के यदि आदि कसाय उदयावे सासादन दूजो गुणथान ज्ञाने अज्ञान कहावे काज है सम कित घाते एक समय से छ आवली पल मिश्र प्रकृति दूजी कसाय के उदय समय में तीजा सा चौथा पंचम या सादी बना भवी मिथ्या दृष्टि अंतर मुहूर्त काल बाद फिर इन तीनों गुण थान विषय सब जीव अशुभ उपयोगी जगन धरे अविरत सदृष्टि यही जगन पात्र कहलाते जगन ही अंतर आत्म शुभ उपयोग बड़े व्रत से तो सम्यक दृष्टि को नित होवे धर्म धर्म फल प्रीति आत्म साक्षी का मैं अघनिंदा गरहा गुरु से कंपा उपशम भाव क्षमा परिणाम इतना ही पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के आठ गुण होते हैं, उन आठ गुणों का वर्णन इन छंदों में किया गया। प्रथम लाइन में संवेग भाव बताया गया, दूसरा गुण निर्वेद भाव से बताया गया, तीसरा आत्मनिंदा के रूप में कहा गया और चौथा गरहा के रूप में कहा गया। अपने पाप की अपनी आत्म साक्षी में जो आलोचना या निंदा होती है उसे आत्मनिंदा कहते हैं, और जो गुरु के समक्ष की जाती है उसे गरहा कहते हैं। इस तरह से यह निंदा और गरहा ये दोनों गुण उस सम्यक दृष्टि जीव के अंदर आ जाते हैं। इन्हीं गुणों की और अगर वृद्धि हम देखते हैं तो आगे के परिणाम उपशम भाव क्षमा परिणाम सर्व प्राणी अनुकंपा। इन चार गुणों के आगे ये पांचवा गुण उपशम भाव, ये पांचवा गुण उसके अंदर आता है। उपशम का मतलब सम भाव, और सम माने होता है शांति का भाव। किसका भाव? हाँ, उपशम भाव में जीव के अंदर भीतर से
एक शांति उसे महसूस होने लगती है और इस उपशम भाव में उसके अंदर जो कसायों का अभाव हो जाता है उसके कारण से उसकी आत्मा में यह शांत भाव उत्पन्न होता है। सिद्धांत में सम्यक दृष्टि जीव के लिए कहा जाता है कि वह अनंतानुबंधी जो क्रोध मान माया और लोभ ये चार कसाय हैं उनसे वह रहित हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो कसाएं उसे अनंत काल तक बांधे रखती थी और उन कसायों से वह जो आत्मा अनंत काल तक संसार में बंधा रहता था उससे वह छूट जाता है। कसाय आत्मा को बांधती है और आत्मा उस कसाय के कारण से संसार में बंधा रहता है। इस कसाय भाव को उसने बहुत प्रयत्न से छोड़ दिया। सम्यक्त की उपलब्धि होने पर यह कसाय भाव जब छूट जाता है तो उसके अंदर एक उपशम भाव उत्पन्न होता है। अनंत भवों तक हमारी जो कसाय साथ में रहती है, भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस जन्म में नहीं सही अगले जन्म में देखूंगा, ऐसी भी आदमी कसाय करता है। इस जन्म में बैर पूरा नहीं हुआ, तुझे जन्म जन्म में नहीं छोड़ूंगा, इस तरह का वो अनुबंध कर लेता है। और यह है उसके अंदर का, जिसे अनुबंध कहें, एक तरह का ये भी एक एग्रीमेंट हो जाता है कि तुझे जन्म जन्म तक नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी अनंतानुबंधी कसाय कहलाती है जो जन्म जन्मांतर तक उसके साथ में चली जाती है। आपने देखा होगा यह कसाय सब तरह से बंध सकती है, क्रोध के साथ भी, मान के साथ भी, माया के साथ भी और लोभ के साथ भी। क्रोध के साथ में जब इस तरह के कसाय परिणाम उत्पन्न होते हैं तो वह क्रोध के माध्यम से ही वह बंद कर लेता है कि उसका क्रोध इतना अधिक होता है कि मैं तुझे अगले जन्म में नहीं छोड़ूंगा। ये क्रोध अगले जन्म में भी वो करना शुरू कर देता है। इस जन्म में उसका क्रोध पूरा नहीं हो पाया तो अगले जन्म तक भी उसका वह क्रोध उसके साथ में चलता है। सामने वाले को देखते ही उसको क्रोध आएगा, उसके प्रति द्वेष का भाव आएगा, उसे मारने का भाव आएगा और वह अगर अपनी कसाय को नहीं छोड़ेगा तो एक बार मार करके भी वो संतुष्ट नहीं होगा, वो कई बार मारेगा उसको। अब एक बार मारने के बाद तो आदमी मर गया, नहीं समझे, फिर भी उसको वह कई बार मारेगा। मरे हुए को भी मारता है आदमी, नहीं मारता, कितने टुकड़े हो जाते हैं। मरे हुए के भी वह पीछे अपना द्वेष भाव निकालता रहता है। सोचो आदमी के अंदर कितनी कसाई होती है, एक मरे हुए व्यक्ति के भी कितने टुकड़े, 2, 4, 10, 20 नहीं, 25, 30, 35 भी नहीं, कई कई टुकड़े हो जाते हैं। और ये सब कसायों के परिणाम से उस जीव के अंदर ऐसे विचार आते हैं तो वह वही परिणाम होते हैं जो नरक में दिखाई देते हैं, तिल तिल करे देह के खंड। ऐसा नारकी वातावरण भी मनुष्यों के जीवन में भी दिखाई देता है, तिल तिल करे देह के खंड। जैसे नरकों में नारकी किया करते हैं दूसरे नारकी का, ऐसे ही मनुष्यों में भी ये होता है। और ये क्रोध के कारण से इस तरह का यह विचार जब बनता है तो वह जन्म जन्मांतरों तक चलता है। अगर आप पार्श्वनाथ भगवान को याद करें तो आपको पता पड़ेगा, कमठ, उनके ऊपर पिछले जन्मों में जब वो भाई था तब क्रोध के कारण से ही उनके ऊपर शिला पटक दिया था। किससे पटका था? क्रोध से। और उसके बाद फिर जन्म जन्मों तक उसके लिए शांति नहीं मिली।
मतलब आप सोचो कि एक बार सिला पटक देने से, एक बार आदमी को मार देने से भी आदमी मर गया, लेकिन भीतर की कसाय नहीं मरती। वो कसाय अगर उसकी शांत नहीं हुई तो फिर वह अगले जन्म में फिर उत्पन्न होगी और फिर उसे फिर बध करने का उसे भाव आएगा, वो फिर इस तरह से मरेगा या मारेगा। यानी आत्मा के अंदर का यह परिणाम ही बताता है कि जन्म जन्मांतरों तक हमारे अंदर के ये कसाय भाव, क्रोध आदि भाव हमारे साथ चलते हैं। पुनर्जन्म की सिद्धि करने के लिए हमें कुछ अलग से प्रयास नहीं करना है। इन परिणामों को अगर हम देखें तो इन्हीं परिणामों के कारण से वह जीव किसी भी ऐसे जीव से अपना संबंध सामने ले आता है और उसे देख करके उसके अंदर कसाय भाव उत्पन्न हो जाता है, वो उसका वध भी कर देता है और इस तरह से यह निरंतर हिंस और हिंसक की परंपरा चलती रहती है। एक दूसरे को मारने का यह प्रक्रम जारी रहता है और इस तरह की प्रक्रिया किसी भी कसाय के साथ हो सकती है। ये क्रोध कषाय का आपको परिणाम बताया जा रहा है। अब अगर इस क्रोध कषाय को शांत नहीं किया जाएगा तो जब तक यह जीव संसार में रहेगा और जिसके प्रति इसका क्रोध उत्पन्न हुआ है वह जीव इसको जब जब सामने दिखेगा तब तब यह उसको मारेगा और तब तब यह उसका दुश्मन बनेगा। यह संसार की एक फिलॉसफी है जिसके कारण से संसार चलता है। जीव के अंदर किसी भी जीव का वध करने का भाव उसके लिए उसी दिन या उसी जन्म में या उसी किसी परिस्थिति के बस हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह उसके पिछले जन्म के कर्म के साथ भी उसके साथ हो सकता है और होता है। पार्श्वनाथ भगवान के और कमठ के पूर्वों को देख करके आप इस चीज को आराम से समझ सकते हैं कि जिसने कसाय की है वो कसाय कर रहा है और जिसके ऊपर कसाय की जा रही है वो उसके ऊपर कसाय नहीं कर रहा है। जिसे बोलते हैं एक तरफा बैर, जैसे एक तरफा प्रेम होता है ऐसे ही एक तरफा बैर भी होता है। और ये एक तरफा बैर की कहानी है पूरी कमठ और पार्श्वनाथ की, क्योंकि उस पार्श्वनाथ के जीव को तो जिस समय पर वह मारा गया था उस समय पर भी उसके लिए अपने भाई के प्रति क्षमा भाव था, उस समय भी उसके अंदर कोई क्रोध नहीं था, लेकिन क्रोध जिसके अंदर था वो क्रोध उसका जन्म जन्म तक उसके साथ बना रहा और वो तब तक शांत नहीं हुआ जब तक कि उसने अपने परिणामों से उसको शांत करने का भाव नहीं कर लिया। ये क्रोध कषाय की तीव्रता में उत्पन्न होने वाला भाव, अनंतानुबंधी क्रोध जो जन्म जन्म तक चलता है उसका भाव, ये सम्यक दृष्टि जीव के अंदर नहीं होते। जो जीव अंतर आत्मा बनता है, अंतरप्पा अपने अंदर महसूस करता है कि मैं अब अंतर आत्मा की यात्रा कर रहा हूं, तो वह कभी किसी से इस तरह का कोई वैर भाव नहीं रखता। वैर भाव नहीं रखता तो फिर वह दूसरी स्थिति बन जाती है, सामने वाला वैर रख सकता है। अब वह सामने वाले के लिए क्या करेगा? दो चीजें अलग अलग हैं, उपशम भाव क्षमा परिणाम, इनमें हम अंतर समझ सकते हैं। उपशम भाव में वह जीव शांत है और क्षमा भाव में उसे क्षमा का भाव तब आएगा जब वह किसी दूसरे को अपनी दृष्टि में लाएगा। हम तो शांत हैं लेकिन फिर भी सामने वाला हमको उद्विलित कर रहा है, हमारे लिए बुरा कर रहा है, हमको गुस्सा दिला रहा है, हमारे पर कसाय कर रहा है, तो अब क्या करना है? अब इस समय पर क्षमा भाव धारण करना है। उपशम भाव चारों कसायों का होगा लेकिन क्षमा भाव केवल क्रोध का विपरीत भाव है। आपको अपने क्रोध भाव को दबाना है और क्रोध भाव को क्षमा के रूप में
उत्पन्न करना है, ये क्षमा भाव आपके अंदर का परिणाम होगा और इस परिणाम से आप दूसरे के प्रति द्वेष का अनुबंध नहीं करेंगे, उसे अपना शत्रु नहीं मानेंगे। वो हमसे शत्रुता कर रहा है। अब ये उस सम्यक दृष्टि जीव की, उस अंतर आत्मा की ये भीतर की आवाज होगी, वो शत्रुता कर रहा है लेकिन हमें उससे शत्रुता नहीं करना है। वह अपना बचाव उससे करेगा, बचाव करने के लिए वह किसी भी तरह का, मान लो वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो अपने आप को बचाव कर सकता है, और बचाव बचाव में अगर मान लो उस सामने वाले का वध भी हो गया तो भी उसके अंदर का वह क्षमा भाव कहलाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को बचाया था और बचाते बचाते इस तरह से वो कृत्य हो गया, उसका उद्देश्य उसको मारने का नहीं था। समझ लो इस चीज को अच्छे ढंग से। कई लोगों को बहुत कुछ दिक्कतें होती हैं, घरों में भी होती हैं, मंदिरों में भी होती हैं, समाजों में भी होती हैं, और सबके सामने कोई ना कोई एक ऐसा कमट रहता ही है जिसको देख करके किसी ना किसी को कोई गुस्सा आ ही जाता है। आपको अपने परिणाम सुधारना है। अगर उस कमट को देख करके आपको गुस्सा आता है तो आपको अपने अंदर क्षमा भाव लाना है। यदि वो आपके लिए कुछ बुरा नहीं कर रहा है तो आपको उसे जबरदस्ती उकसाना नहीं है। एक बात वो होती है कि वो सामने वाला आपका बुरा करे, और कभी कभी कोई कुछ बुरा नहीं करता तब भी हम उसको बुरा मानते हैं। एक व्यक्ति जैसा कह देता है दूसरा भी व्यक्ति वैसा ही मान लेता है। एक बुरा आदमी दुनिया में सबके लिए बुरा बन जाता है। समाज में एक व्यक्ति आदमी बुरा होता है तो वो सब पूरी समाज का बुरा बन जाता है, जबकि उसने किसी के लिए कोई बुरा ना भी किया हो तो भी उसके लिए बुरे बनने का आरोप लग सकता है। अगर इस तरह से आप उसके प्रति कोई कसाय भाव लाएंगे तो इसमें भी आपके अंदर उसके प्रति एक द्वेष का एक क्या हो गया, एक लिंक बन गई आपके, उसके साथ में एक जुड़ाव हो गया। वो जुड़ाव किससे हो गया, कहीं राग से होता है तो कहीं द्वेष से हो गया, तो ये द्वेष से जुड़ाव हो गया। अब अगर वह आदमी आपके लिए बुरा कर रहा है तो उस बुरा करने हुए भी उसको देख करके पहले तो उसको क्षमा भाव से अपने अंदर कसाय को रोका जाता है, क्रोध नहीं करना, क्षमा भाव धारण करना। खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूतेषु वैरम मज्जम न केड़वी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सब जीव मुझे क्षमा करें, मेरा किसी से कोई वैर भाव नहीं है, मेरा सब जीवों में मैत्री भाव है। ये भावना आपको हर दिन हर समय करनी है, और इस भावना के तहत जो भी आपके सामने आएगा उसे आप अगर देख पा रहेंगे और उसे देख करके अगर आपके मन में गुस्सा आता है तो उसको भी इंटेंसली उसको भी क्षमा करने का आपके अंदर भाव आएगा कि भाई दुनिया में और किसको क्षमा करना, जो अपने लिए बुरा कर रहा है पहले उसको क्षमा करना। और किसको क्षमा करोगे, जो तुम्हारे पैर छुएगा उसको क्या क्षमा करोगे है? जो थप्पड़ मारेगा उसी को तो क्षमा करना पड़ेगा। क्षमा का भाव आपके अंदर अगर होगा तो आप ये भी देखेंगे कि वह आदमी हमको अगर थप्पड़ मार रहा है तो उसके लिए वह क्षमा करना और उसको भी सही रास्ता दिखाना, ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। केवल यूं नहीं कहा गया कि आप पिटते रहना, क्षमा भाव का मतलब ये नहीं होता है। ये क्षमा भाव तो उनके लिए जिनके हाथ पैर बंधे हुए हो। नहीं समझ में आया, हाथ पैर किसके बंधे होते हैं, जिनके हाथ पैर में कुछ होता नहीं, ये किसके लिए होता है? साधु के हाथ में क्या होता है, समझ आ रहा है? आपके हाथ में क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। साधु के लिए ये उत्कृष्ट क्षमा का भाव होता है, श्रावक के लिए भी होता है, लेकिन श्रावक
के लिए ये भाव भी होता है कि हम अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए उसे सही रास्ता दिखाएं, और इसके लिए वह अपने अंदर क्षमा भाव धारण करते हुए भी उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। फिर भी सामने वाला कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है, कोई आपके ऊपर प्रहार करता है, तो आपको अपनी भी जान बचाने के लिए अगर उसके ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा तो उसके लिए भी श्रावक को छूट मिलती है, क्योंकि वह विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं? संकल्पी हिंसा का त्यागी श्रावक होता है। संकल्प है उसका कि मैं इसका वध नहीं करूंगा, लेकिन अगर यह मुझे घात करने आया है तो अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। राम जी ने रावण को मारा, कहने में यही आता है ना, श्री राम ने रावण मारा, रावण की हिंसा हुई, रावण का वध हुआ। क्यों हुआ? वह उनके लिए इंटेंशनली था या वो ओकेशनली था? उन्होंने संकल्प नहीं लिया था कि मुझे रावण का वध करना है, मुझे रावण को मारना है, उनका यह संकल्प नहीं था। संकल्प क्या था? मुझे अपनी सीता वापस लेना है, और वो सीता नहीं दे रहा है। युद्ध करने आ गया, अब युद्ध करना ही अगर एक तरीका है तो फिर युद्ध कर ले, और युद्ध करने में क्या होता है, एक जीतेगा एक हारेगा, फिर तो उसमें सबके बाण चलते हैं, सबके हथियार चलते हैं, जिसके साथ जो होगा होगा। तो बस वह युद्ध के कारण से उसमें मारा गया, लेकिन राम का इंटेंशन उसको मारने का नहीं था। जीव के लिए संकल्पी हिंसा करने का भाव नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव के अंदर, लेकिन फिर भी वह उसका वध करके भी वह अंतरंग में क्या भाव करता है कि देखो बेवजह यह युद्ध करके इसके कारण से हमारे द्वारा इसका वध हो गया, यह हमसे एक कृत्य हो गया, उसका वह अंतरंग में पश्चाताप भी करता है, क्षमा भाव भी लाता है, और क्षमा भाव इतना तक भी होता है कि मृत्यु के उपरांत बिल्कुल जैसे बोलते हैं, जैसे बाइज्जत आप बोलते हैं वरी कर दिया गया, ऐसे बाइज्जत उसको दाह संस्कार की क्रिया कराई गई, पूरे मान सम्मान के साथ में सब उसके जो और भाई बंधु बंदी थे उन सबको छुड़ा करके उन्हें सामने ला करके उसे क्षमा किया गया, और उसके लिए उस समय पर यह दाह संस्कार की क्रिया पूरी आदर पूर्वक यथोचित संस्कार के साथ कराई गई। क्यों? हमारा बैर कोई जन्म जन्मांतर का बैर नहीं था, वह केवल हो गया, और इसके अलावा उसका कोई और दूसरा उपाय सामने आ ही नहीं रहा था, क्योंकि तुम भी छत्री तो हम भी छत्री, तुम भी अड़े हो तो हम भी अड़े हैं, अब दोनों के अड़े में कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो हो गए, तो बस वही हो गया। इस तरह का भी अगर हो जाता है तो भी वह धार्मिक ही कहलाएगा, ये भी ध्यान रखो, वो भी सम्यक दृष्टि है, और इस तरह के परिणामों के साथ में वह क्षमा भाव भी बना रहेगा, उसके अंदर उपशम भाव भी बना रहेगा। यह सम्यक दृष्टि जीव के अंदर दोनों भाव होते हैं, और इस उपशम भाव में क्रोध का भी उपशमन होता है, मान का भी उपशमन होता है, माया का भी, छल कपट का भी उपशमन होता है, और लोभ आदि कषायों का भी उपशमन होता है। उपशमन आपको चारों कषायों के साथ करना पड़ेगा। मान का उपशमन होता है, कभी मान सम्मान नहीं मिला, क्या सोचना पड़ेगा भाई, अरे चलता है, कोई बात नहीं, भूल गया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। अपने अंदर के परिणाम को आपको जब संभालने का भाव आए तो समझना कि आप उपशम भाव में लग गए, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, अपने ही समाज का काम था, अपने ही समाज का आदमी था, कभी कभी किसी से कोई भूल चूक हो जाती है, उसका अभिप्राय हमारा अपमान करने का नहीं था, ऐसा आप उसके प्रति बिल्कुल पॉजिटिव होकर के सोच सकते हो, चाहे भले ही उसने आपका अपमान किया हो।
ये विचार किसके अंदर आता है? वो विचार एक सम्यक दृष्टि जीव का विचार होता है, जिसे बोलते हैं कि ऑलवेज सी ए सन्नी साइड। क्या हमेशा क्या देखना, माने कभी भी आपके सामने कोई चीज हो तो बस आप उसकी पॉजिटिव वे में उसको बस देखें आप, क्योंकि आपका परिणाम आपको संभालना है, आपको अपने अंदर कषाय उत्पन्न नहीं करना है, उपशम भाव आपको धारण करना है। सामने वाले को ज्ञान नहीं भी हो सकता है, आप तो ज्ञानी हो गए हो ना, नहीं समझ में आ रहा है? कहें ज्ञानी कि नहीं है? जो सुनेगा समझेगा पढ़ेगा वही तो ज्ञानी होगा। मान लो सामने वाले ने कभी अपने अंदर इस तरह के ज्ञान को धारण ही नहीं किया, कभी उसने इन चीजों की आवश्यकता समझी नहीं, कभी उसको ऐसा ज्ञान मिला ही नहीं, कभी उसे सम्यक दर्शन का भाव समझाया ही नहीं गया, कभी वो अंतरात्मा की ओर आया ही नहीं, आपको मिला, तो आपको तो अपने ज्ञान के साथ में चलना पड़ेगा। अगर आप भी वैसा ही करेंगे तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों बराबर हो गए। तो ज्ञानी के अंदर यह भाव आता है, कोई बात नहीं, हमें अपने मान कषाय को शांत कर लेना है, तो मान कषाय का उपशमन कर लेता है। माया कषाय का उपशमन भी कैसे होगा? कभी कभी छल कपट करने के भाव उत्पन्न होते हैं, अगर हम उसकी बात इसको ऐसे कह दें और उसको ऐसे बढ़ा दें तो उसका वो काम बिगड़ जाएगा। मुझे पता है कि उसके काम बिगड़ने में ये बात कारण बन जाएगी। आपको पता रहता है कोई चीज की कमजोरियां, किसी की बातें कोई, और उसी से आपका कुछ ना कुछ पहले से संबंध भी है, और कभी कुछ खटपट हो गई हो, कभी आपसे उसने कुछ बुरा बोल दिया हो, तो फिर आपको याद आए अब मैं इसको इसका सबक दूं, और आप उस समय पर कोई ना कोई तरह से छल कपट करके किसी को उकसा करके उसका काम बिगाड़ने का भाव भी अपने मन में ला सकते हो और कर भी दोगे। लेकिन अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव होगा तो क्या सोचोगे, क्या मतलब है बेवजह कषाय करने का, क्यों हम किसी का काम बिगाड़ें, मायाचारी करने से छल कपट करने से हमारा ही बुरा होगा, उसके पुण्य के उदय से अगर उसका काम बनेगा तो बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो उसके ही पाप कर्म का उदय होगा, हम क्यों उसमें अपना हिस्सा लें। यह विचार आएगा किसका? सम्यक दृष्टि जीव का। सुन रहे हो, कितने दिन से सम्यक दर्शन चल रहा है। अंतर आत्मा बनना, अंतरप्पा बनना, सम्यक दृष्टि बनना इतना आसान नहीं होता है। हम बस बाहर उदक चंदन तंदुल पुष्प गई स्वाहा इतना ही करते रहते हैं, वो सब तो एक बाहर की चीजें हैं, लेकिन भीतर से जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके गुणों की अगर हम और देखेंगे तो ये भाव सामने आते हैं, उपशम भाव, क्षमा परिणाम। और इस तरह का वह क्षमा परिणाम जब सामने आता है तो वह उसका मन भी अपने आप में समर्थ होता है, स्ट्रांग होता है। केवल बॉडी स्ट्रांग नहीं होती है, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होता है। भले ही उसका शरीर कितना ही कमजोर दिखाई दे रहा हो लेकिन वह मेंटली बहुत ही फिट होगा, स्ट्रांग होगा, उसका मन हर इन भावों को सहने में समर्थ होगा। दूसरे का बुरा नहीं करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छाई है। अगर आदमी इस अच्छाई को सीखेगा तो यही तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए सिखाया जा रहा है, यही तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाया जा रहा है। आप धर्म की दृष्टि से भी अच्छे बन रहे हो और एक सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो भी आपके अंदर ये क्वालिटी आ रही है। क्या ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है? बताओ हमें, और क्या होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना आप, आपको यही सब चीजें उसमें मिलेंगी। अपनी पर्सनैलिटी को प्लस करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको इसी तरह की क्वालिटियां अपने अंदर अपनानी पड़ेंगी। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो उसके माध्यम से कभी ना कभी आपका भी बुरा होगा, और इस तरह से आप अगर विचार करके उस बुराई से बचेंगे तो यही आपका उस उपशम भाव के अंतर्गत आएगा। आपने अपने अंदर माया कसाय को दबा लिया, उपशम कर लिया। इसी के लिए सब तरह की प्रार्थनाएं होती हैं।
जब आपके सामने प्रार्थना कराई जाती है, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, क्या भाव रहता है? उसमें यही भाव रहता है। हर भजन में, हर प्रार्थना में आपको एक अच्छा भीतर से बनाने के लिए, सम्यक दृष्टि बनाने के लिए ही भाव होते हैं। ये भजन सुना है आप लोगों ने? उसका भजन तो सुन रहे हो, ये भी भजन सुन लो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दें, हम किसी के कार्य में झूठ छल फरेब से न उलझनों का जाल दें, झूठ छल फरेब से दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता, दूसरों की उन्नति में, दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता, प्रेम भावना की धार दृष्टि में तदर्थ हो, प्रेम भावना की धार मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। इन चार लाइनों में कैसा भाव है? माया के उपशमन का भाव है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे